गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हिंदी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट चार, पापा जब बच्चे थे। उसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया है, लिख करके ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको बताया था। आज अपनी बुक से, यानी आपके बुक से जो रिमझिम की बुक है, उसमें पार्ट चार आप ओपन करेंगे और पीछे जो एक्सरसाइज दिया होता है, यानी पाठ के पीछे जो एक्सरसाइज दिया होता है, आपके पेज नंबर 27 पर दिया है, उसको आप ओपन करेंगे और उसके बाद मैं जैसे जैसे बताती हूँ, एक पेंसिल ले लीजिए, मैं अपनी पेंसिल लेकर के जो मैं बताती हूँ उसको उसमें आप फिल करेंगे, ठीक है। इसका वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी और उस वीडियो को देख करके आप अपने बुक में उसको फिल यानी भर लेंगे। जहाँ खाली जगह होगा, जहाँ आंसर लिखने की जगह होगी, उसी के नीचे पेंसिल से छोटा छोटा आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये एग्ज़ाम में आना नहीं है। बस ये हम लोग इस पर डिस्कस, इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, इसीलिए आपके बुक में देता है ताकि बच्चे थोड़े से अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, क्वेश्चन का आंसर खोजें और लिखें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा इसलिए ये नहीं देता है। एक्सरसाइज जो है सिर्फ इसलिए देता है कि बच्चे अपने दिमाग पर जोर डालें और हर एक चीज़ का थोड़े चौकन्ने बने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है। अब चलिए हम आप मिलके अब इसके इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। चौकीदार रात को काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि घूमते हैं, घूम के सीटी बजाते हैं और कहते हैं जागते रहो, एक लाठी लेके घूमते हैं, सबको चौकन्ना रखते हैं कि कोई अनहोनी ना होने पाए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को, बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके जो डॉक्टर नर्स हैं वो रात को भी जगते हैं, ठीक है। जिसका अब तो ऐसा हो गया है कि दो शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जो सुबह में करे ठीक, किसी का रात में रहता है, तो रात में जैसे आपके ड्राइवर हो गए, जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर आपके हो गए, तो ये सारे जो हो गए वो ये लोग, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं वो रात में भी काम करते हैं, ठीक है। आपके ये हाँ ड्राइवर हो गए, रेलवे स्टेशन पे बहुत से लोग, पुलिस स्टेशन में देखिए हमारे पुलिस भी रात में जगते हैं, होटल में जाइए, होटल में भी कोई ना कोई, अगर आप रात में कहीं आपको रुकना हो तो आप किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको कोई ना कोई जगह मिलेगा। तो बहुत सारे काम हैं जिसमें रात को जगना पड़ता है, ठीक है। अब कह इसमें कह रहा है कि पापा कई तरह के काम करना चाहते थे, ठीक है। यानी जो इस बच्चे जो पाठ जिसने लिखा गया है, तो ये पूछ रहा है कि पापा कई तरह के काम करना चाहते थे, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देंगे, यानी आपको खुद देना पड़ेगा कि कोई इस तरह का व्यक्ति क्या आपके आसपास है जो रात में जो एक से ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं पेपर बांटते हैं, कितने व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में और उसके बाद खुद भी पढ़ते हैं और घर का भी काम करते हैं, जैसे ये अखबार वाला, जैसे आप अखबार बेचेगा फिर अपना पढ़ने जाएगा, या बहुत सारे ऐसे काम हैं, ठीक है। और उसके बाद शाम को मान लीजिए 5 बजे के बाद, जैसे हमारे यहाँ ही टीचर लोग हैं, स्कूल में काम करते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए दिया है क्वेश्चन कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे कि आपको इनमें से किसी को, वायुयान चालक यानी वो चलाने वाला, एरोप्लेन चलाने वाला, किसी को पायलट बनना अच्छा लगता होगा, किसी को
ड्राइवर बनना अच्छा लगता होगा, किसी ठेला वाला तो किसी को मेरे ख्याल से नहीं अच्छा लगेगा किसी बच्चे को, लेकिन पायलट बनना, ट्रेन का ड्राइवर बनना, ये सारे ये जो इस तरह के काम हैं वो किसी के बच्चों को अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को इंजीनियर बनना अच्छा लगता है, किसी को डॉक्टर बनना अच्छा लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आप लोगों को अच्छे लग सकते हैं। ठीक है, अब कोई कुत्ता बनना तो चाहेगा नहीं, जैसे पापा कुत्ता बनना चाहते थे तो कोई कुत्ता बनना तो चाहेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे काम, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप स्वयं ढूंढेंगे और बताएंगे कि आपको क्या बनना अच्छा लगता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन कौन कहता है और क्या कहता है। ठीक है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है। भाई बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहा जाता है उनसे कि देखो पढ़ोगे तो तुम ये भी बन सकते हो, ये डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लेखक बन सकते हो, या जो भी तुम्हारा बिजनेसमैन बन सकते हो। तो किसी भी काम में पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति बड़ा होकर उसका उसका कोई ना कोई गोल यानी कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है कि मुझे ये काम करना है। घर में जो बड़े होते हैं वो दिमाग में डालते हैं कि भाई ये काम अच्छा है। अब आगे बच्चा डिसाइड करता है, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, ट्वेल्थ वगैरह जब पास आउट पास कर लेंगे, तब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कौन कौन कहता है, क्या कहता है, आपके घर में कौन ये सब बात कहता है। तो आपके बड़े ही कहते होंगे, आपका बड़ा भाई है, आपकी दीदी है, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे बात आपसे कह सकते हैं। ठीक है, अब दिया है अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो ये आप पता करिए। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। यानी आपके घर में जो भी सदस्य, कोई मान लीजिए आपके पिताजी ही हैं, कोई काम करते होंगे, तो उनसे पूछिए कि किस तरह का काम है, आप कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई टीचर ही आपके घर में, तो पूछिए कि आप जाके स्कूल में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब दिया है, अब इसका आंसर छोटा सा देखिए इसमें है कि मुझे घर में बताया जाता है, यह सब मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन है कि मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जानते हैं, उस काम के लिए उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग, यानी ये सारे आंसर हैं क्वेश्चन के जो मैंने आपको अभी बताया है। अब पेज नंबर 28 पर आइए, इसमें दिया है अफसर के जाने के बाद, कौन सा अफसर, फौजी अफसर, जो जब पापा कुत्ता बने थे तो फौजी अफसर उनके पास आया था, तो वही ये कह रहा है कि अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। इसमें दिया है और कह रहा है कि सही पर सही का निशान लगाइए, जो गलत है उसको काट दीजिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि यह अफसर आखिर कौन है। ठीक है, पापा क्या ये सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये भी उन्होंने सोचा था, सही है। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये भी उनके दिमाग में आया था, ये भी सही है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ये भी पापा ने सोचा था, सही है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, ये उन्होंने नहीं सोचा था। ठीक है, फिर है मुझे पता नहीं इंसान किसे कहते हैं, सही बात है, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, ये भी सही है, पापा ने कहा था। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 29 पे दिया है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है, ये उन्होंने सोचा था जब आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, फिर शंटिंग वाला भी देखे कि बड़ा मज़ा आ रहा है तो शंटिंग करने में, तो सोचे कि मैं स्टेशन के पास ही अपना ठेला भी खड़ा कर लूँगा, शंटिंग भी करूँगा और आइसक्रीम भी बेचूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती या होते तो ठेला कहाँ लगाते, तुम ऐसा तुमने क्यों तय किया। ठीक है, तो अब इसका आंसर इसमें है कि मैं ठेले को बाजार या बहुत ज़्यादा आबादी यानी बहुत ज़्यादा जहाँ लोग हों वहाँ पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे तो पैसा ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो पैसा मेरे पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन कि अगर तुम रेल में सफ़र करोगी
तो तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, टिकट चेकर कुली, वहाँ पे जो लोग घूम रहे होंगे वो बहुत सारे भिखमंगे भी आपको दिख जाएंगे, आपको पुलिस दिख जाएंगे, सामान बेचने वाले दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, खाना बेचने वाले, सामान बेचने वाले, मूँगफली बेचने वाले, बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बस ये बहस मतलब आपस में बातचीत करने के लिए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब दिया है पापा के पास, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पापा के पापा को क्या कहते हैं? पापा के पापा को दादाजी कहते हैं। ठीक है, माँ के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं। पापा की माँ को दादी जी कहते हैं, माँ की माँ को नानी कहते हैं। आप लोग के भी नानी दादा सब लोग होंगे। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, माँ के बड़े भाई माँ के भाई को मामा कहते हैं। ठीक है, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं। पापा के भाई को चाचा कहते हैं और बहन के पति को जीजा जी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है पापा को वाहन चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ठीक है, ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है, हम अक्सर ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो जब मैं सर्वनाम पढ़ाऊँगी तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि सर्वनाम क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब दिया है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए, जैसे उनसे, उन्होंने, इन सारे शब्द से, तो उनसे बन जाएगा पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। ठीक है, फिर उन्हें से बन जाएगा, उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह क्या बनेंगे, चौकीदार बनेंगे। उनका जवाब हर बार अलग होता था, यह सचमुच समस्या थी। पापा ने पूछा, मुझे भी तो नहीं पता। ठीक है, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, उन्हें कल उन्हें घर जाना है, उनका खाना दे आओ। वाक्य हमेशा छोटा बनाते हैं, कभी भी बड़ा वाक्य नहीं बनाते हैं, कोशिश यही करना चाहिए कि वाक्य छोटा बने। वाक्य बनाना क्या होता है, जैसे मैंने कोई शब्द आपको दे दिया, जैसे चौकीदार दे दिया, तो कहा चौकीदार से एक वाक्य बनाइए, तो आप करेंगे क्या, चौकीदार शब्द का वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे घर में एक चौकीदार है, हो गया, ज़्यादा लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि चौकीदार रात में सड़क पर घूम घूम के सीटी बजाता है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा वाक्य और सही बनाना चाहिए। ठीक है, अब दिया है यह से, यह मेरा घर है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चाय दो मैं भी आऊँगा, तुम यहाँ आओ, ये सारे हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 30 पर आइए। दिया है कि सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं, कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई मित्र बनाने में तेज होता है, तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है उनके नाम लिखो। तो ये सब सारे जितने भी इन क्वेश्चन का आंसर है ये आप खुद देंगे। ठीक है, जितने भी हैं जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, कहानी कौन बनाता है, दादी कहानी सुनाती है, कढ़ाई कौन करता है, कढ़ाई कोई भी कर सकता है, कोई भी आपकी मम्मी कर सकती हैं, आपकी नानी कर सकती हैं। ठीक है, जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, कलाबाज खाते हैं। ठीक है, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतारता है अभिनेता होता है, जो हाथ में से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है बुनकर होता है, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट में बता दे वो हाजिर जवाब होता है, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सके होशियार होता है, जो खुलकर जोर से हंस सके वो हंसोड़ होता है हंसने वाला, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकता है कोई भी मिमिक्री करने वाला आवाज़ें बना सकता है, जो बढ़िया अभिनय करते हैं अभिनेता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब अब आपके करने के लिए हैं, ये आप इनको करिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए, नहीं समझ में आता है घर वाले से पूछिए और पूछ करके इन क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, चलिए।